नमस्कार किसान भाइयों मैं अजीत सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं किसान भाइयों मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है और क्या रेट मंडियों में चल रहे हैं आज की मैं आपको ताज़ा अपडेट बताऊंगा देश की मंडियों में क्या क्या धान का रेट जा रहा है आपको पूरी जानकारी दूंगा किसान भाइयों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको पूरी और उचित जानकारी मिल पाएगी किसान भाइयों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए किसान भाइयों बताता हूँ आपको क्या रेट मंडियों में चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं नमस्कार किसान भाइयों जानते हैं जींद मंडी का भाव क्या रहा है धान पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ पचास रुपये है जबकि पंद्रह जीरो नौ धान कम्बाइन से कटा हुआ तैतीस सौ रुपये रहा है धान ग्यारह इक्कीस की अगर बात की जाए तो हाथ से कटा हुआ पैंतालीस सौ बीस रुपये रहा है जबकि सत्रह अठारह धान हाथ से कटा हुआ चार हजार रुपये रहा है धान सत्रह अठारह कंबाइन से कटा हुआ पैंतीस सौ बत्तीस रुपये रहा है अब बात करते हैं किसान माँ फतेहाबाद मंडी की धान पंद्रह जिनों हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ पचास रुपये रहा है जबकि धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ तैंतीस सौ रुपये रहा है धान चौदह जीरो वन भाव बयालीस सौ चालीस रुपये रहा है जबकि धान पी वी वन भाव अड़तीस सौ पचास रुपये रहा है बात करते किसान वायु रतिया मंडी का क्या भाव रहा है धान पी वी वन अड़तीस सौ रुपये रहा है जबकि पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ पचासी रुपये रहा है धान चौदह जीरो वन की बात की जाए तो चार हजार एक रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ तीन हजार इक्यासी रुपये रहा है उचाना मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो नौ कम्बाइन से कटा हुआ तैतीस सौ इकहत्तर रुपये रहा है जबकि पंद्रह जीरो नौ धान हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ पचहत्तर रुपये रहा है धान सत्तर डारा हाथ से कटा हुआ चार हजार पचास रुपये रहा है जबकि कम्बाइन से कटा हुआ सैंतीस सौ इकतालीस रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ इकतीस रुपये रहा है जबकि कम्बाइन से कटा हुआ तीन हजार पैंतीस रुपये रहा है खरखोदा मंडी की अगर बात की जाए तो धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ पैंतालीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ उनतालीस सौ इक्यावन रुपये रहा है धान पंद्रह इरोनो हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ इकहत्तर रुपये रहा है धान पंद्रह जीरो नौ कम्बाइन से कटा हुआ बत्तीस सौ बावन रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ उनतीस सौ दो रुपये रहा है जबकि आज से कटा हुआ चौंतीस सौ एक रुपये रहा है नरवाना मंडी की बात की जाए तो धान पंद्रह दिनों उन्नों कम्बाइन से कटा हुआ तैंतीस सौ पचास रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ तीन हज़ार पचास रुपये रहा है टोहाना मंडी की अगर बात की जाए तो धान ग्यारह इक्कीस कम्बाइन से कटा हुआ अड़तीस सौ पच्चीस रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ बत्तीस सौ रुपये रहा है धान सत्रह अठारह कम्बाइन से कटा हुआ अड़तीस सौ रहा है जबकि अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ इकतीस सौ दस रुपये रहा है धान चौदह जीरो वन इकतालीस रुपये रहा है धान पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ दस रुपये रहा है कलायत मंडी की अगर बात की जाए तो धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ चार हजार पचास रुपये रहा है जबकि पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ सैंतीस सौ रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ तीन हजार नब्बे रुपये रहा है डिवाई मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जिनोनो हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है जबकि धान सुगंधा उनतीस सौ पचास रुपये रहा है अलीगढ़ मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह इन हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है धान सुगंधा उनतीस सौ रुपये रहा है धान सत्रह अठारहा हाथ से कटा हुआ सैंतीस सौ पचासी रुपये रहा है जबकि धान सरवती छब्बीस सौ पचपन रुपये रहा है खैर खैर मंडी की अगर बात की जाए तो धान सर्वती छब्बीस सौ इकसठ रुपये रहा है जबकि धान सुगंधा अट्ठाईस सौ एक रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ अड़तीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ इकतीस सौ छियासठ रुपये रहा है धान पंद्रह यूनिटों कम्बाइन से कटा हुआ बत्तीस सौ बहत्तर रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ इक्कीस रुपये रहा है कैथल मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह यूनिटों कम्बाइन से कटा हुआ तैतीस सौ पचास रुपये रहा है जबकि धान अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ उनतीस सौ पचास रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ इकतालीस सौ रुपये रहा है जबकि धान चौदह जीरो वन कम्बाइन से कटा हुआ चार हजार एक रुपये रहा है सिरसा मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ अठासी रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ इकतीस सौ चौदह रुपये धान पी वी वन अड़तीस सौ अठासी रुपये रहा है छर्रा मंडी की अगर बात की है तो धान सर्वती छब्बीस सौ एक रहा है धान सुगंधा अट्ठाईस सौ रहा है धान अठारह सौ हाथ से कटा हुआ तीन हजार ग्यारह रहा है जबकि पंद्रह गिरोणों हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ इक्कीस रुपये रहा है रोहतक मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि पंद्रह इन्नो कम्बाइन से कटा हुआ तैंतीस सौ पच्चीस रुपये रहा है नरेला मंडी की अगर बात की जाए तो धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ छियालीस सौ चौदह रुपये रहा है जबकि सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ चार हजार रुपये रहा है धान पंद्रह इनो हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ सत्तर रुपये रहा है आवक बीस हजार बेक्स डबरा मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह इनोनो धान कम्बाइन से कटा हुआ बत्तीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि धान सत्रह अठारह कम्बाइन से कटा हुआ तैतीस सौ पच्चीस रुपये रहा है गोहाना मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह इनोनो कम्बाइन से कटा हुआ तैंतीस सौ सोलह रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ अड़तीस रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम्बाइल से कटा हुआ तीन हजार इकहत्तर रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ तैतीस सौ इकसठ रुपये रहा है एटा मंडी की अगर बात की है तो धान पंद्रह जीरो कम्बाइल से कटा हुआ इकतीस सौ पचास रुपये रहा है धान ताज का जो भाव है पच्चीस रुपये रहा है धान सुगंधा का भाव छब्बीस सौ रुपये है धान शरबती का भाव बाईस सौ रुपये है बेरी मंडी की अगर बात की जाए तो ग्यारह इक्कीस कम्बाइन से कटा हुआ अड़तीस सौ रहा है धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ चवालीस सौ पचास रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ चार हज़ार एक सौ रुपये रहा है धान पंद्रह दिनों हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ इकहत्तर रुपये रहा है जबकि कम्बाइन से कटा हुआ बत्तीस सौ रुपये रहा है नार नोंद मंडी की अगर बात की जाए तो ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ पैंतालीस रहा है जबकि अठारह सैंतालीस से कटा हुआ अट्ठाईस सौ पचास रुपए रहा है धान सोलह बानवे छत्तीस सौ पचास रुपये रहा है पंद्रह जिनोनो कम्बाइन से कटा हुआ 3300 सौ रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ इकसठ रुपए रहा है बूंदी मंडी की अगर बात की जाए तो धान सत्रह अठारह कम्बाइन से कटा हुआ सैंतीस सौ साठ रुपये रहा है धान पंद्रह जिनो कम्बाइन से कटा हुआ 3350 सौ पचास रुपये रहा है धान सुगंधा अट्ठाईस सौ पचास रुपये रहा है आवक पचास हजार तारावाड़ी मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरोनो हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ पचास रुपए रहा है धान पी आर चौदह का भाव चौबीस सौ पच्चीस रूपये रहा है नूह मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जीरोनो धान कम्बाइन से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है जबकि ग्यारह इक्कीस कम्बाइन से कटा हुआ तैतालीस सौ रहा है धान सत्रह अह कम्बाइन से कटा हुआ उनतालीस सौ रुपये रहा है अब बैग्स बरवाला मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह इरोनो कम्बाइन से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है जबकि पंद्रह इरोनो हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ पचास रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ तीन हजार रुपये रहा है सोनीपत मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह इरोनो धान कम्बाइन से कटा हुआ इकतीस सौ रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ इक्यावन रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ उनतालीस सौ पचास रुपये रहा है तरन तारण मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह इरोनो धान कम्बाइन से कटा हुआ छत्तीस सौ दस रहा है हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ साठ रहा है धान अठारह हाथ से कटा हुआ बत्तीस बीस रहा है अब बाईस हजार बैक्स दादरी मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह इरोनों कम्बाइन से कटा हुआ इकतीस सौ रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ एक रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ अड़तीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ इकतीस सौ इक्कीस रुपये रहा है धान शरबती छब्बीस सौ एक रुपये रहा है जबकि धान सुगंधा अट्ठाईस सौ एक रुपये रहा है तिलवर मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो नो कम्बाइन से कटा हुआ अट्ठाईस सौ पचास रुपये रहा है धान आर एच दस बाईस सौ पचास रुपये रहा है धान ताज चौबीस सौ रुपये रहा है आव एक एयर बैक्स अमृतसर मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह इरोनो कम्बाइन से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है जबकि धान अठारह सौ सैंतालीस हाथ से कटा हुआ बत्तीस सौ रुपये रहा है problems, अब अग चालीस हजार बैक्स सफीदों मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जीरो धान हाथ से कटा हुआ सैंतीस सौ अस्सी रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ चौंतीस सौ पचासी रुपये रहा है धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ चवालीस सौ रुपये रहा है जबकि सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ बयालीस सौ रुपये रहा है धान अठारह चौरासी उनतालीस सौ रुपये रहा है सीतापुर मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो नो कम्बाइन से कटा हुआ उनतीस सौ रुपये रहा है धान आर एच दस तेईस सौ पचास रुपये रहा है धान ताज पच्चीस सौ रुपये रहा है आबक तीस हजार कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जीरो ने धान कंबाइन से कटा हुआ तेतीस सौ रुपये रहा है धान सुगंधा सत्ताईस सौ रुपये रहा है धान सत्रह अटारा से कटा हुआ अड़तीस सौ रुपये रहा है आबक चार हजार बेक्स बारह मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जीरो धान कम्बाइन से कटा हुआ इकतीस सौ पचहत्तर रुपये रहा है जबकि सुगंधा छब्बीस सौ इक्यानवे रुपये रहा है धान सत्रह डारा कम्बाइन से कटा हुआ सैंतीस सौ पचास रुपये रहा है अब बत्तीस एयर बैग्स पलवल मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह कम्बाइन से कटा हुआ चौंतीस सौ रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ अट्ठाईस सौ रुपये रहा है धान सत्रह हाथ से कटा हुआ उनतालीस सौ रुपये रहा है आबक बीस एयर बैग्स भर्तना मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जरूर धान कम्बाइन से कटा हुआ तीन हजार रुपये रहा है जबकि ताज का धान चौबीस सौ पचास रुपये रहा है अब तीस हजार वैक्स पानीपत मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो नो कम से कटा हुआ बत्तीस सौ इकहत्तर रुपये रहा है धान पंद्रह जरूरों हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ इकहत्तर रुपये रहा है धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ छियालीस सौ इक्यावन रुपये रहा है जबकि धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ इकतालीस सौ एक रुपए रहा है धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ बत्तीस सौ इकहत्तर रुपए रहा है धान चौदह इरोवन इकतालीस सौ रुपए रहा है मुक्तसर मंडी की अगर बात की जाए तो धान सत्रह अठारह मान से कटा हुआ अड़तीस सौ पैंतीस रुपए रहा है धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ बत्तीस सौ रुपये रहा है धान पंद्रह इरोनो हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ रुपये रहा है आव तीस बैग्स मलोट मंडी की अगर बात की है तो धान पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ पचास रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ इकतीस सौ पचास रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ उनतालीस सौ रुपये रहा है आबक पैंतीस सौ झज्जर मंडी की अगर बात की है तो धान पंद्रह जीरो नौ का माइन से कटा हुआ पैंतीस सौ सैंतीस रुपये रहा है धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ पैंतालीस सौ इक्यावन रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ तैंतीस सौ रुपये रहा है धान छत्तर अठारह हाथ से कटा हुआ चार हजार एक रुपए रहा है राजौर मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जीरो तैतीस सौ रुपये रहा है धान चौदह जीरो तैंतालीस सौ रुपए रहा है अब अगर बासठ हजार वैक्स जेतु मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह जिनोनो कंबाइन से कटा हुआ पैंतीस सौ अस्सी रुपये रहा है जबकि धान अठारह हाथ से कटा हुआ बत्तीस सौ तीस रहा है मदलोला मंडी की अगर बात की जाए तो पंद्रह जिनोनो धान हाथ से कटा हुआ अड़तीस सौ सत्तर रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ इकतालीस रुपये रहा है धान ग्यारह इक्कीस हाथ से कटा हुआ चवालीस सौ इकतीस रुपये रहा है धान सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ इकतालीस सौ अस्सी रुपये रहा है समालखा मंडी की अगर बात की तो धान पंद्रह जीरो नौ कम्बाइन से कटा हुआ बत्तीस सौ पचास रुपये रहा है जबकि पंद्रह जीरो नौ हाथ से कटा हुआ छत्तीस सौ रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम्बाइन से कटा हुआ उनतीस सौ रुपये रहा है जबकि हाथ से कटा हुआ तैतीस सौ पचास रुपये रहा है धान ग्यारह किस हाथ से कटा हुआ छियालीस सौ रुपये रहा है जबकि सत्रह अठारह हाथ से कटा हुआ चार हजार इक्कीस रुपये रहा है जुलाला मंडी की अगर बात की जाए तो धान पंद्रह लोनो कम से कटा हुआ बत्तीस सौ इक्यानवे रुपये रहा है जबकि अठारह सैंतालीस हाथ से कटा हुआ पैंतीस सौ रुपये रहा है धान अठारह सैंतालीस कम से कटा हुआ तीन हजार पचास रुपये रहा है धान पंद्रह लोनो हाथ से कटा हुआ सैंतीस सौ रुपये रहा है दान सत्रह डारा हाथ से कटा हुआ चार हजार पचास रुपये रहा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ जय हिंद बंदे माता